ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम प्रसंग सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को उल्लंघन करने ने राज्य शिक्षा विभाग यूपीएससी को यूजीसी रा पत्र सूचना अनुसार ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 उपरे सुप्रीम कोर्ट तीन मास पई रहितादेश प्रसंग रे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन राज्य सरकार को उच्च शिक्षा विभाग एवं ओडिशा लोकसेवा आयोग को पत्र लिखिछन्ते। गत 20 तारीख रे ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम उपरे सुप्रीम कोर्ट रहितादेश लगाइथिले, किंतु सुप्रीम कोर्ट को एही निर्देश को राज्य शिक्षा विभाग यूपीएससी उल्लंघन करुथिबा नै यूजीसी पत्र रे उल्लेख करिछे। यूजीसी राज्य सरकार को उच्च शिक्षा सचिव एवं ओपीएससी को लिखिथिबा पृथक पृथक पत्र रे उल्लेख करिछे जे मे 23 तारीख रे ओपीएससी समाज विज्ञान रो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति रो फलाफल एवं मे 24 तारीख रे वाणिज्य रो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई विज्ञप्ति प्रकाश करिछे। सुप्रीम कोर्ट रे ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम नै एसएलपी विचाराधीन रहिछि, तेणु ओपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति एवं राज्य चयन बोर्ड एसएसबी रो अणशिक्षकों नियुक्ति रो विज्ञप्ति मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे उल्लंघन करुछि। ए बाबदरे अधिक सूचना पई आम सहित जोड़ी होचंती आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती आमर जोड़ी होचंती। स्वप्ना, वर्तमान जो बा जो निर्देश को वर्तमान उल्लंघन करा जाउछि बाबद रे कोन सठिक भाबरे निर्देश रे लेखा जाइछि? देखन्तु चिन्मय, जेभली भाबरे सुप्रीम कोर्ट को नियम को उल्लंघन करछन्ति राज्यर जो शिक्षा सचिव को कथा कोन्तु बा विभागीय अधिकारी को कथा कोन्तु, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर रहितला जे कम से कम 3 मास पर्यंत अर्थात आसंता 90 दिन पर्यंत सुप्रीम कोर्ट को जो स्टे ऑर्डर रहिछि बा जो जारी रहिछि जो निर्देश जे 3 मास भितरे कोनोसी ऑर्डर पास करा जाई पारिबो नाही, अर्थात शिक्षक नियुक्ति कथा कोन्तु अणशिक्षक नियुक्ति कथा कोन्तु एवं लेक्चरशिप पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति रहिताय 3 मास मध्यरे कोनोसी चुक्तिनामा हेई पारिबो नाही, काहेकि ना सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर होउछे सबुठु ऊर्ध्वरे एवं लॉक्ड ऑर्डर, तेणु याकु केही उल्लंघन करिपारिबे नाही। किंतु एथिरे विच्युति देखा जाउछे जा पूर्वरु आमे किछि जो कुलपति माने पूर्वतन कुलपति माने थिले सेमानकठु जेतेबेले ए बाबदरे खबर कथा हेतुलु जेतेबेले आलोचना करतुलु से मध्य समान उत्तर चिन्मय रखिथिले जे सुप्रीम कोर्ट को नियम होउछे सबुठु ऊर्ध्वरे। आपण जानिछथि से चिठीरे लेखा हेछि जे मे 23 एवं मे 24 तारीख अर्थात 2 दिन लगातार भाबरे जोभली भाबरे सोशल साइंस एवं वाणिज्य विभाग रे असिस्टेंट प्रोफेसर फलाफल नियुक्ति एवं आउ गोटे होचे वेरिफिकेशन माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई जो नोटिस टी बाहरिचि ताकु नै कि वर्तमान द्वंद सृष्टि हेचि, काहेकि ना सुप्रीम कोर्ट जेतेबेले 90 दिन रहितादेश दैछंती स्टे ऑर्डर दैछंती ताकरे कोनोसी फलाफल प्रकाश करबा कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश करबा होची नियमर विरुद्ध रे, तेणु याकु कोभली भाबरे राज्यर जो शिक्षा सचिव रहिछंती शिक्षा विभाग रहिछि याकु केमति माने उल्लंघन करके काम कले उल्लंघन करके कार्य नेले ताकु नै कि वर्तमान यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एक चिट्ठी लिखिछंती जो चिट्ठी रे से स्पष्ट भाबरे उल्लेख करिछंती जे आपण मे 23 एवं मे 24 रे बाहर करथिबा विज्ञप्ति सुप्रीम कोर्ट को राय को खंडित करुछि बा सुप्रीम कोर्ट को राय को बा रायर नियम को उल्लंघन करुची, तेणु जदि याकु वापसी न करा जाए किंबा यार कोनोसी स्पष्ट सूचना न दिया जाए जे काहेकि सुप्रीम कोर्ट को राय रो ऊर्ध को जाई आपण माने ये विज्ञप्ति प्रकाश कले तेबे जो ओपीएससी द्वारा जोटा बाहरची तेणु ता उपर कार्यानुष्ठान नवा पई वर्तमान यूजीसी पक्षरु नोटिस जारी कराई, तेणु ये बाबद रे पूर्वरु मध्य जेतेबेले अमेंडमेंट आक्ट कथा कोंतु जेतेबेले संशोधित नियम आसीथिला एवं 90 दिन जो रहितादेश आरंभ होइतिला सेतेबेले अनेक पूर्वतन कुलपति कथा कहतु विश्वविद्यालय अनेक प्रोफेसर मान कथा चिन्मय कहतु से गोटे समस्त मन में खुशी माहौल था कम से कम 90 दिन जो गैप रही 90 दिन जो समय व्यवधान रही सुप्रीम कोर्ट का से समय भितर ये जो रहितादेश जारी होता भितर आलोचना हम पर्यालोचना हम कौन गोटे निर्दिष्ट नियमावली बाहर किंतु ता भितर जदि सुप्रीम कोर्ट का राय को किए उल्लंघन करुच्ची तेणु ता कार्यानुष्ठान निजा स्वाभाविक प्रक्रिया, तेणु एबे जो यूजीसी जो नोटिस बाहर करछे जो ओपीएस रो जो नियुक्ति प्रक्रिया बाहर करछंती बा मे 23 एवं 24 खास करी असिस्टेंट प्रोफेसर पई नियुक्ति प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालीची ता सुप्रीम कोर्ट रो नियम रो ऊर्ध्वरे, तेणु ये जो नियम बिल्कुल सपना वर्तमान समस्त नजर रहिबो जे वर्तमान राज्य शिक्षा विभाग विभाग एवं यूपीएससी को जो यूजीसी रो पत्र मिलिछि या ऊपर राज्य शिक्षा विभाग कोन पंथा अपनाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना आपनकर तमाम सूचना पई।